हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इस फ़ोन की, जो कि है पोको C31। तो काफ़ी लो बजट में आपको ये फ़ोन मिल जाता है, और जो वेरिएंट है मेरे पास ये 4GB और 64GB है। तो यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो इसको अभी मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या इसकी पूरी फुल स्पेसिफिकेशन है। तो फ़िलहाल इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो अभी मैंने कुछ नाइफ वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको सिंपल अपनी फिंगर से यहाँ पर इसकी यहाँ पर सील को जो है हटा देता हूँ। तो यहाँ पर सारी यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर रिमूव करने के बाद अंदर से देखेंगे इसका लुक किस तरह का हमको लुक देखने को मिलता है। तो लास्ट सील यहाँ पर मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो पोको के मैंने जितने भी फ़ोन यूज़ किए हैं या फिर मैंने देखे हैं, वो मुझे अच्छे ही लगे हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है पोको। तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके पूरा खोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। इसको चलिए मैं बाहर निकाल के आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट लुक इसका। और अगर बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में ये मिल जाता है, और पोको की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर आने पर ट्रिपल कैमरा आपको मिल जाता है विद फ्लैश लाइट, एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है। तो चलिए इसको अभी साइड पर रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको अडेप्टर मिल जाता है, जो कि मी का 10W का अडेप्टर है। और यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास या फिर बैक कवर नहीं देखने को मिलता इसमें। और यहाँ पर ये नॉर्मल USB डाटा केबल मिल जाती है, टाइप सी आपको नहीं मिलेगी। तो उसके बाद यहाँ पर बॉक्स तो फ़िलहाल नीचे खाली है, लेकिन साइड में यूज़र मैनुअल वगैरह रखा हुआ है। मैंने सोचा तो क्यों बताऊँ, मतलब इसको बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसको वीडियो ऐसी लॉन्ग हो जाती है। पर चलो छोड़ो, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको साइड कर लेता हूँ। चलिए पहले इसके गार्ड को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर इसके गार्ड को उतार लेता हूँ मैं, जो यहाँ पर इसको यहाँ पर इन्होंने जो प्रोटेक्शन लगा के रखी है। तो चलिए मैं आपको यूज़र मैनुअली बता देता हूँ। तब तक यहाँ पर ये आपको पोको का नॉर्मल यूज़र मैनुअल मिल जाता है। वैसे ये बताने की कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि इसको वीडियो में इंक्लूड करने से वीडियो की लेंथ ही लॉन्ग होती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी कोई इसको पढ़ता ही नहीं आज तक। मेरे को लगता नहीं किसी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। तो यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं। चलिए आ जा, ये होगी रिमूव यहाँ पर। तो अब देखते हैं इसको बूट करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बूट हो चुका है। MIUI का आपको वर्जन मिल जाता है यहाँ पर। तो इसको मैं फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे इसके बारे में बताएंगे। इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप लोडिंग ऐप्स हो रहा है, सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन देखिए, कुछ इस तरह की एप्लीकेशन यहाँ पर लोड होके आती हैं। टच रिस्पॉन्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो टच रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और लोड भी ऐप्स जल्दी हो जा रही हैं, उतना ज़्यादा लैग कभी कर नहीं रहा। लेकिन गेमिंग वगैरह आप हैवी इसमें कर नहीं सकते, क्योंकि PUBG वगैरह में थोड़ा लैग कर सकता है। और डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर 6.53 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, HD डिस्प्ले, इन सेल LCD डिस्प्ले आपको मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इसका, क्योंकि बैटरी आपकी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, क्योंकि 5000 mAh काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर नॉर्मल फ़ोटो मोड आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, मोर में आपको बाकी टाइम लैप्स वगैरह मिल जाएगा देखने को। बाकी यहाँ पर एक मैक्रो कैमरा मिल जाता है, जो कि आप मैक्रो शॉट ले सकते हैं। तो सैम्पल के लिए, मैं डेमो के लिए यहाँ पर मैक्रो शॉट आपको लेके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्रो कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि कैमरा काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, देख सकते हैं आप कितना जूम करके भी क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, इतना मतलब जूम यहाँ पर मैक्रो कैमरा इसका कर दे रहा है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आप तो कितना छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो कैमरा काफ़ी बढ़िया है भाई इसका, कैमरा मतलब काफ़ी बढ़िया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 8500 में ट्रिपल कैमरा आपको मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया कैमरा आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी राइट साइड पे यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, लेफ्ट में आपको माइक मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको सिम स्लॉट मिल जाता है, ड्यूल सिम, आप ड्यूल नैनो सिम और मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं।
और राइट साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेंटर में कैमरा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक नॉच देखने को भी मिलेगी। ऊपर यहाँ पर हेडफोन जैक मिल जाता है। और प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर मीडियाटेक हेलियो G35 ऑक्टाकोर 2.3 GHz का प्रोसेसर दिया गया है। बाकी कैमरा की बात करूँ तो 13 मेगापिक्सल प्लस 2MP प्लस 2MP का आपको कैमरा में देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए उतना सही नहीं रहेगा, नॉर्मल यूज़ के लिए सही रहेगा। तो पबजी वगैरह में थोड़ा लैग कर सकता है बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए। और प्लस पॉइंट इसका बैटरी है 5000 mAh की। और यहाँ पर बात करें फेस अनलॉक की तो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे तो सही लगा। और फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो भी मुझे ठीक ही लगा। तो ये था पोको C31 का कुछ रिव्यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर नहीं पसंद आया तो मत सब्सक्राइब करो यार, लेकिन खुश रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।